हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूँ इस्कॉन और आपका इस्कॉन एंगर की वीडियो पे आपका स्वागत करता हूँ गाइस। तो मैं लेके आ गया हूँ कमाल की टेक्नोलॉजी अपडेट और बहुत सारे लीक्स। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस नंबर 10 की बात करूँ गाइस सैमसंग गैलेक्सी का, गाइस सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन 2 जो कि गाइस बहुत जल्दी से मार्केट पे लॉन्च करने वाली गाइस सैमसंग कंपनी, जो कि गाइस सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन का अपग्रेड वेरिएंट है। तो गाइस बता दें, सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन 2 के कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं और गाइस बता दें इसे कंपनी लॉन्च करने वाली जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। और गाइस बता दें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूँ गाइस, इसमें लगाया जाएगा स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 865 प्रोसेसर जो कि 5G कोडम से लैस होगा। और गाइस बता दें इसमें आपको देखने को मिलने वाला इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलने वाले इस फोन में। और गाइस बता दें इसमें एक और सामने लीक निकल के आएगा, इसे 5G फोन तो होने वाला है लेकिन गाइस में एक वेरिएंट निकल के आया स्टोरेज वेरिएंट जो कि गाइस 256 GB का। और कंपनी ने अभी इसमें नहीं बताया कि इसमें कितने GB रैम होने वाली है, 8 GB रैम भी हो सकती है गाइस, 12 GB भी रैम हो सकती है, फिर 16 GB भी रैम हो सकती है। तो गाइस मैं आपको आने वाली वीडियो पे इसका कंफर्म जरूर कर दूंगा और प्राइस भी आने वाली वीडियो पे आपको जरूर बताऊंगा। गाइस नंबर 9 की बात करें तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट का गाइस वेब ब्राउजर जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज, तो गाइस बता दे फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को पीछे छोड़ के बन चुके गाइस दूसरा नंबर का वेब ब्राउजर। तो गाइस बता दे माइक्रोसॉफ्ट एज का दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वेब ब्राउजर बन गया है। नंबर 1 पे गाइस गूगल का क्रोम जो कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और इसके दुनिया भर में गाइस 68.5% डेस्कटॉप यूजर हैं। वहीं पे गाइस माइक्रोसॉफ्ट के एज की बात करें तो गाइस इसके दुनिया भर में 7.59% यूजर हैं। वहीं पे गाइस फायरफॉक्स के 7.19% यूजर जो कि दुनिया भर में हैं। और गाइस बता दें माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट एज ब्राउजर क्रोमियम पर आधारित है, इसे काफी हद तक गूगल क्रोम और फायरफॉक्स से इंस्पायर्ड बताया जा सकता है गाइस। और गाइस बता दें गूगल का गाइस क्रोम इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है गाइस क्योंकि ये इसे चलाने में आसानी मिलती है। और गाइस सबसे लेकिन बताया जा रहा है गाइस गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा रैम स्पेस कंज्यूम करता है गाइस, इसलिए गाइस माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर काफ़ी हद तक अच्छा है गाइस। गाइस नंबर 8 की बात करें तो गाइस वन प्लस 14 अप्रैल 2020 को लॉन्च करने वाला गाइस वन प्लस 8 सीरीज को, उसी इवेंट में गाइस कंपनी लॉन्च करने वाली गाइस एक पावरफुल वायरलेस चार्जर को, इसका गाइस आउटपुट बताया जाए तो गाइस 30 वॉट का ये पावरफुल वायरलेस चार्जर होगा। तो गाइस इसका प्राइस की बात करो गाइस जो कि इसका प्राइस सामने आ चुका है, तो गाइस ये यूरो 17 का है गाइस, जो कि इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें लगभग गाइस ये इंडियन मार्केट में 5,999 रुपये की कॉस्ट पे इसे लॉन्च करने वाले हैं। और गाइस बता दें साथ ही में आपको देखने को मिलने वाली गाइस वन प्लस की तरफ से गाइस एक पावरफुल गाइस आपको न्यू बुलेट्स वायरलेस ईयरफोन देखने को मिलने वाली गाइस, जो कि आपको 10 मिनट में 10 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाली है। और गाइस अभी इसका कॉस्ट तो सामने नहीं है लेकिन गाइस आपको लॉन्चिंग डेट के समय ही आपको जब लॉन्च होगा तभी आपको प्राइस सामने मिल जाएगा गाइस। गाइस नंबर 7 की बात करूँ गाइस क्वालकॉम लीटो प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला गाइस LG का एक नया फोन, तो गाइस बता दें LG अपनी प्रीमियम फोन वाली G सीरीज को बंद कर देगी और इसकी जगह अपनी एक नई सीरीज को 15 मई को लॉन्च करेगी अपनी एक नई सीरीज, जिसमें आपको बता दें गाइस इसमें जो एक स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली उसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो गाइस बता दें इस फोन में आपको 8 GB रैम और ऑक्टा कोर क्वालकॉम का लीटो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। गाइस बता दें लीटो प्रोसेसर वही जो गाइस आपको स्नैपड्रैगन 765 और 765G चिपसेट प्रोसेसर है गाइस, उनका कोड नेम ही दिया गया है लीटो। तो गाइस बता दें इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है 765 का प्रोसेसर। और गाइस अभी इसका कॉस्ट तो नहीं है लेकिन आने वाली वीडियो में आपको इसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ वीडियो लेके आने वाला हूं गाइस। गाइस नंबर 6 की बात करें तो गाइस ओप्पो रेनो एस 2 जो कि गाइस ओप्पो का अपकमिंग स्मार्टफोन है, तो गाइस बता दें ओप्पो रेनो एस 2 का कंपनी ने गाइस लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दिया है। तो गाइस बता दें इसे ग्लोबल मार्केट पे गाइस 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च करने वाली है, जो कि कंपनी ने गाइस शॉर्ट वीडियो टीजर भी टीज कर दिया है। तो गाइस के फाइनली स्पेसिफिकेशन की बात करें इसमें आपको देखने को मिलने वाला गाइस स्नैपड्रैगन का 865 चिपसेट प्रोसेसर जो कि परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। गाइस के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि पंच होल कटआउट डिस्प्ले के साथ आने वाली है। गाइस के क्वाड कोर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर देखने को मिलेगा जो कि सर्कुलर आपको कैमरा देखने को मिलेगा। गाइस इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली जो कि 65W का वायर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गाइस इसमें आपको एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है गाइस 40
वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, जो गाइज आपको बहुत ही जल्दी आपका फोन चार्ज हो जाएगा गाइज। अभी गाइज कंपनी ने इसका प्राइस नहीं बताया गाइज, लेकिन आपको लॉन्चिंग डेट के समय ये आपको प्राइस मालूम चल जाएगा गाइज। गाइज नंबर 5 की बात करें तो गाइज ओप्पो का गाइज जो कि वूक टेक्नोलॉजी गाइज, ये बता दे गाइज चार्जिंग के मामले में गाइज सबसे तेज मानी जाती है ओप्पो डिवाइस के लिए। तो गाइज बता दे ओप्पो लॉन्च करने वाला गाइज 40 वाट का एयर वूक वायरलेस चार्जर, जो कि गाइज इसे आपको 13 अप्रैल रेनो एस 2 के इवेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा। गाइज बता दे इसे कंपनी ने गाइज इसका सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करा लिया है। और गाइज बता दे इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा गाइज 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। और गाइज में आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा गाइज एक कूलिंग सिस्टम, जो कि आपके वायरलेस चार्जर को गाइज हीट ना कर सके, जो कि कंपनी ने इसे ध्यान से इसे डिजाइन करके बनाया है गाइज। गाइज नंबर 4 की बात करें तो गाइज सैमसंग ने फाइल किया गाइज क्वाड कवर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का, जो कि एक नया पेटेंट सामने लीक हो चुका है। तो गाइज बता दे कंपनी के जो गैलेक्सी एस सीरीज है उसमें कर्व स्क्रीन देने के बाद ये फीचर काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। और गाइज बता दे सैमसंग की तरफ से गाइज पहला कवर डिस्प्ले लॉन्च किया गया था। तो गाइज बता दे सैमसंग ने गाइज नेशनल इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी इस डिस्प्ले के लिए पेटेंट फाइल किया है। तो गाइज बताया जा रहा है गाइज ये जो डिस्प्ले पेटेंट किया गया है गाइज ये डिजाइन को आपको देखने को मिल सकता है गाइज सैमसंग के अपकमिंग फोन नोट 20 में, जो गाइज आपको कवर डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल सकता है गाइज। अभी कहा नहीं जा रहा गाइज कंपनी की तरफ से, लेकिन आने वाली वीडियो में आपको जरूर कंफर्म कर दूंगा गाइज। गाइज नंबर 3 की बात करें तो गाइज शोमी के कस्टम सॉफ्टवेयर गाइज का न्यू वर्जन, जो कि गाइज MIUI 12। तो गाइज बता दे अभी इस कस्टम सॉफ्टवेयर पर कंपनी का भी टेस्टिंग चल रहा है। तो गाइज बता दे कंपनी से कंप्लीट कर पाई गाइज जून के महीने में, उसके बाद गाइज कंपनी रोल आउट करना स्टार्ट करेगी वो भी प्रीमियम फोन के ऊपर। तो गाइज बता दे कंपनी के जो MIUI 12 वर्जन है गाइज कंपनी ने अभी एक लिस्ट जारी कर दी है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम रखा गया गाइज प्रीमियम स्मार्टफोन के ऊपर, जो गाइज MIUI 10, MIUI 10 प्रो, MIUI 9, MIUI 9 SE। वहीं MIUI 9 प्रो में सबसे पहले आपको MIUI 12 देखने को मिलने वाला है, उसके बाद कंपनी ने कंफर्म किया गाइज की केट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा MIUI 12 का वर्जन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नोट सीरीज, जो कि गाइस बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले इस वर्जन के ऊपर। और गाइस बता दे कंपनी ने बताया नोट सीरीज में गाइस आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट करेगी गाइस। गाइज नंबर 2 की बात करें तो गाइज वीवो का सब ब्रांड आईक्यू दोस्तों, जो कि आईक्यू 3 इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया था। तो गाइज बता दें हमारे इंडियन यूजर ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था आईक्यू 3 को, और जो हमारे गेमर थे दोस्तों उन्हें पसंद नहीं आता, इसमें गेमिंग का मजा नहीं था जो आना चाहिए था। तो गाइज कंपनी ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए गाइज लेके आने वाली गाइज आईक्यू 3 नियो, जो कि एक 5G फोन है। तो गाइज बता दें इसके स्पेसिफिकेशन लीक्स हो चुके हैं। तो गाइज इसमें आपको देखने को मिलने वाला गाइज 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दोस्तों, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, जो कि आईक्यू 3 में दिया गया था 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, तो गाइस इसको पूरा कर दिया, जो जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फुली डिस्प्ले। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा गाइस, और इसमें आपको देखने को मिलने वाला गाइस परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर, जो कि 5G कोडम से लैस होगा। और गाइस अभी प्राइस तो सामने नहीं है, लेकिन आने वाली वीडियो पे आपको प्राइस जरूर बताऊंगा गाइस। गाइस नंबर 1 की बात करें तो गाइस अभी तक आपने 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन ही देख चुके होंगे, लेकिन गाइस बता दें मई के महीने में लॉन्च होने वाला गाइस 192 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन, जो कि गाइस चाइना की वेबसाइट वीवो पर एक टिप्सर ने पोस्ट किया है, उसने खुलासा भी किया है गाइस कि 192 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन मई के महीने में लॉन्च होने वाला है। लेकिन गाइस बता दें उस पोस्ट में अभी कंपनी का कोई भी फोन नहीं है किसी भी कंपनी का, ओनली गाइस बताया जा रहा कि चाइना की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कोई भी हो सकती है, फिर वो चाहे सोनी हो, सैमसंग हो, या फिर शोमी भी हो सकती है, फिर ओप्पो भी हो सकती है। और गाइस बता दे अभी कुछ समय पहले कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले इस साल में कंपनी गाइस मिलके, चाहे वो ओप्पो हो या फिर सैमसंग हो या सोनी हो, एक साथ मिलके एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा डिजाइन करने पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं गाइस कौन सी कंपनी लेके आने वाली 192 मेगापिक्सल वाला कैमरे वाला फोन। और गाइस बता दे इस कैमरे को चलाएगा गाइस प्रोसेसर जिसका नाम है गाइस 765, जो कि 700 सीरीज का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर माना जा रहा है गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और गाइस बगल में प्रेस कर देना बेल आइकन को, जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल पाएगा गाइस।